नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम जानेंगे भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के बारे में। भोजपुरी रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोक गीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक, विख्यात काव्य नाटक विदेशिया नाटक के लेखक भिखारी ठाकुर बहुरूपी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। वे एक साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के छपरा जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भोजपुरी और भोजपुरी भाषा साहित्य को पूरे विश्व से अवगत कराया। भिखारी ठाकुर की पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। उनके घर में 4 गाय थी जिन्हें वह रोज चराने जाया करते थे। वे अपना बचपन परिवार की माली हालत और विलक्षण प्रतिभाओं के साथ द्वंद्व करते हुए बिताया था। इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और फिर भोजपुरी के महान नायक की यात्रा शुरू हो गई। वे नौकरी की तलाश में छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़कर बंगाल चले गए थे। वहां उन्होंने सोचा था कि हम लोग बाल दाढ़ी बनाकर कुछ पैसे कमाएंगे, लेकिन उनका मन नाचने गाने में लग गया। इसके बाद वह पहुंच गए बंगाल के मेदिनीपुर जिले, जहां उन्होंने पहली बार रामलीला का मंचन देखा। वहां रामलीला का मंचन देख वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भोजपुरी में काव्य लिखने और रामलीला मंचन करने का मन बना लिया। इसके बाद जब वो घर लौटे तो अपने साथ साथ मंच की कला भी लेकर आए। अपने गांव कुतुबपुर में उन्होंने अपने छोटे भाई और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नाटक मंडली बनाई, जो यहां से शुरू हुई भोजपुरी भाषा के युग पुरुष की यात्रा। भिखारी ठाकुर को जानने वाले बताते हैं कि वह अपने नाटकों में ज्यादातर सूत्रधार बनते और अपनी बात बड़ी सटीक अंदाज से कह जाते थे। कई लोग उन्हें भरत मुनि की परंपरा का पहला नाटककार मानते हैं। महापंडित राहुल शंकराचार्य ने तो उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर की उपाधि दी थी। भिखारी ठाकुर काफी दूरदर्शी थे। उन्होंने जो बातें उस समय कही थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भिखारी ठाकुर लोक कलाकार ही नहीं थे, बल्कि जीवन भर सामाजिक बुराइयां कुरीतियों के खिलाफ कई असरों पर जूझते रहे। इनके निर्देशन में भोजपुरी के नाटक विदेशिया, बेटी बेचवा, गवर गिचोर, बेटी वियोग का आज भी भोजपुरी भाषा क्षेत्रों में मंचन होता है। इन नाटकों में भिखारी ठाकुर ने सामाजिक सुधार की दिशा में अद्भुत पहल की है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी साहित्य के वे हीरा हैं जिन्हें आने वाली कई पीढ़ी तराशती रहेगी और उनकी चमक और भी बढ़ती जाएगी। भिखारी ठाकुर की प्रसिद्धि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। हाल ही में भिखारी ठाकुर के शिष्य रामचंद्र मांझी को राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया है। रामचंद्र मांझी भी भिखारी ठाकुर रंगमंच का हिस्सा हुआ करते थे। भिखारी ठाकुर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं विदेशिया, भाई विरोध, बेटी बेचवा, कलयुग, प्रेम, गवर गिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्र वधु, ननद भौजाई, बहरा बहार, कलयुग प्रेम, राधा श्याम बहार, बिरहा बहार। बिहार से जुड़ी हुई और भी हस्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।